क्या कार करेगा, क्या करवाएगा, बड़े चिंतित हैं। नमन नीच की अति दुखदाई, भगवान जाने क्या संकट आएगा। सावधान होकर हाथ जोड़कर बोले, सरकार इस दास को आज कैसे याद कर लिया। कंस ने कहा, मित्र अब तुमसे क्या छिपाऊं, मैंने जो है एक बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया है और हार्दिक इच्छा कि तुम जो है मेरा रथ लेकर के ब्रज में जाओ और वृंदावन से कृष्ण और बलराम को यहाँ ले आओ। तो अक्रूर जी सोचते हैं कि यह भगवान की ही कृपा है और मेरे को भगवान के दर्शन, जिस तरह से सुदामा जी पत्नी सुशीला द्वारा बनती है और सोचते हैं सुदामा जी कृष्ण दर्शन लालसा, इसी तरह से क्रूर और अक्रूर में फर्क है। अक्रूर जी सोचते हैं दोनों काम बनेंगे, अर्थात स्वयं मैं जो है जाऊंगा और दर्शन पा करके जो है प्रताप हो जाऊंगा। इस तरह से जब यह है यानी मुश्किल से 5 कोस या 6 कोस मथुरा से और वृंदावन का सफर है, क्रूर लोग तो हवा ऊपर से चले जाते तुरंत, लेकिन यह जब रास्ते में जाते हैं कि समाधिस्थ हो जाते हैं, भगवान के प्रति उनका मन जो है आकर्षित हो जाता है और समाधि लग जाती है, तो दो दो घंटे तक रथ खड़ा रहता है और भगवान में समाधिस्थ होकर के रथ रुकता है। इस तरह से कुछ कदम चलते हैं फिर से समाधि लग जाती है। इस तरह से ध्यान में होकर के जो है इनको सुबह से शाम तक इतना समय लग जाने के कारण जो है संध्या के समय जब कृष्ण और बलराम घर आते हैं गाय इत्यादियों को लेकर के, ठीक उसी समय दादाजी यजवंशियों से कुशलता का प्रश्न पूछना ही गलत है, क्योंकि यजवंशियों के शरीर में जो कंस रूपी कैंसर पैदा हो गया है उसके रहते कौन कुशल हो सकता है। अक्रूर जी ने कहा, ठीक कहा गोविंद, इस बीमारी का इलाज करवाने के लिए जो है मैं आपके पास आया हूँ, यह रोग आपके हाथों के द्वारा आपके द्वारा ही ठीक हो सकता है। कंस का सारा षड्यंत्र चुपचाप समझा दिया। भगवान हंसकर बोले, चाचा जी जब मामा जी ने हमें याद किया है पता मत देना। इस तरह से नंद बाबा के पास आए, बाबा बाबा हम तो मथुरा का मेला देखने जाएंगे। नंद बाबा ने अक्रूर से भेंट की और कहा, भैया अक्रूर मैं कन्हैया को अकेले कैसे भेजूंगा, तैयार हो जा। इस तरह से जो है सूचना करवा दिया। यह सब समाचार गोपियों के कानों में आवाज गई, तब सब आपस में तो आपस में कहने लगती हैं, ये विधाता बड़ा क्रूर है, चाहे जैसी कलम चला देता है, इसका स्वभाव तो बिल्कुल बच्चों जैसा है। छोटे छोटे बच्चे गंगा जी की रेती में बैठकर बढ़िया बढ़िया घर बनाते हैं, घर को तक बनाते हैं, और जब बनाते बनाते मन भर जाता है एक रात मारे और वह मृत्यु हो गया। इसी तरह है अपनी मर्जी से खेलता है, जब चाहे तब खेला और जब चाहा तब फोड़ दिया। इस तरह से जो है दया होगी तो ऐसा क्रूर विधान बनाता क्यों। अहो हमने देखा नहीं राधा कृष्ण बना, ये तो ये अक्रूर ये बनकर आया है, ना ये आता ना कहीं।